नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के कस्बा भोगपुर में कार के आवारा पशु से टकराने से हुआ भीषण हादसा, एक की मौत, दो घायल। जालंधर के वार्ड नंबर 77 की भाजपा महिला मोर्चा की पूरी टीम ने दिया त्यागपत्र, पार्षद दंपत्ति के समर्थन में उतरे। देश की अग्रणी हैवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से जालंधर के लवकुश चौक में नए शोरूम का किया शुभारंभ। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने किया शुभारंभ। और अब हलचल विस्तार से। जिला जालंधर के कस्बा भोगपुर से जालंधर आ रही कार का आवारा पशु के साथ टकराने से भीषण हादसा हो गया, जिस कारण कार सवार तीन व्यक्तियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान राकेश कुमार निवासी भार्गव कैंप के तौर पर हुई है। यह हादसा जालंधर भोगपुर हाईवे पर काला बकरा के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पचरंगा चौकी के इंचार्ज तलविंदर सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आवारा पशु से टकराने के कारण कार तीन से चार बार पलटियां खाकर दूर जा गिरी, जिस कारण राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी कुलदीप और बबीक सिंह को अंदरूनी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ड्रामा ये है भी राकेश कुमार जिहड़ा सेंटरी दी दुकान ते काम कर रहा है भोगपुर, उन्हें सेंटरी दुकान आ उत्थे वह काम करता सीगा, वह वापस आ रहा ही काम तो इहदे परिवार तो पता लगा कि वह जिहड़ा राह दे विच कोई पशु नाल गड्डी टकराउण करके उहदी मौत हो गई है। तो ये मौत उन्हें काले बकरे लागे दसते हैं भी उत्थे हुई है। तो गली नंबर दो साडा भार्गव कैंप दा एरिया करके सानू सूचित किया गया, असीं इत्थे आए हाँ। तो थाना भोगपुर तो जी डेड बॉडी सिविल हस्पताल पहुँचाई गई है। एक्सीडेंट दसण मुताबक भी कार के मूहरे को पशु आ गया है, तो वो करके जी गड्डी में टकराउण करके एक्सीडेंट होया। सर कार च किन्ने बंदे सीगे? कार च तीन जने दस दिया मालक समेत जी। भाजपा पार्टी को उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब पार्षद दंपत्ति श्वेता और विनित धीर के समर्थन में जालंधर के वार्ड नंबर 77 की भाजपा महिला मोर्चा की पूरी टीम ने त्याग पत्र दे दिया। इस मौके पर वार्ड की अध्यक्ष गुरप्रीत कौर पिंकी ने कहा कि पूरा वार्ड धीर दंपत्ति के साथ है। विनित धीर ने पिछले 10 वर्षों से इस वार्ड को अपना परिवार मान रखा है, और जब पार्टी उनके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दे सकती तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा। उन्होंने बताया कि धीर दंपत्ति हर समय वार्ड के हर व्यक्ति के काम आते हैं। पूरा वार्ड उन्हें अपना बेटा या भाई मानता है, क्योंकि वे राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पूरी महिला मोर्चा श्वेता और विनित धीर के साथ है। इस मौके पर सतवंत कौर तखर, गुरप्रीत कौर पिंकी, कमलेश रानी, लखविंदर कौर, शकुंतला रानी, चांद जुलका, गुरप्रीत कौर भारती, सुमन मिश्रा, स्वरणजीत कौर, हरविंदर कौर, संतोष तोशी, परमजीत कौर रेणु, किरण, सीता रानी, गुरमीत कौर, सोमा, बाला रानी, पूनम, बलवीर कौर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। मैं श्वेता की काउंसलर वार्ड नंबर 77 हूँ। आज मैं अपनी सारी ही महिला शक्ति, जिन्नी भी मेरी महिला कार्यकर्मी है, असी अपनी भारतीय जनता पार्टी की जी प्राथमिक सदस्यता है, तो मेरा जोड़ा पद है वो तो असं इस्तीफा दे रहे हैं। मैं तो मेरे पति असी पिछले 10-12 साल तो असं सेवा कर रहे हैं पार्टी की, बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ, पूरी निष्ठा न, बिना किसी कंप्लेंट। पर जिहड़ा पार्टी का हुण कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उत्थे मान सम्मान जिहड़ा तुहाडा बनता है वह भी कार्यकर्ता अहुदेदारा नहीं मिलता। जिहड़ा उत्थे सिस्टम बनिया वह हुण लोकतंत्र का नहीं है, वह एकतंत्र का है, क्योंकि जिहड़े मंडल के साडे अध्यक्ष हैगे आ वह अपने टर्म्स से ही सारे काम करते हैं, किसी की राय तक नहीं ली जाती किसी भी केस से। तो इस करके जिहड़ा मिनीमम साडा मान सम्मान है, साडी सैल्फ रिस्पैक्ट असीं नाल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इस करके असीं पार्टी छड्डण दा निर्णय लिता है। क्योंकि ये जिहड़े काम हुंदे आ इह सारी जिहड़ी टीम है इहनूं नाल लैके कीते जांदे आ, ते जिहड़े साडे हैड है अध्यक्ष है मंडल दे उह सारी टीम नूं इकट्ठे लैके नहीं तुर पा रहे हैं, वो इस सिस्टम च बिल्कुल फेल साबित होना उन्होंने अपने आप में कीता। असीं डिसीजन इस स्पॉन्टेनियस नहीं लैता, असीं पूरी सोच। देश की
अग्रणी इलेक्ट्रिकल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट के निर्माता हैवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से जालंधर के लवकुश चौक के पास अपने नए शोरूम गैलेक्सी का आगाज किया गया, जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच और विधायक रमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया, जबकि कंपनी के ब्रांच हेड अश्विनी शर्मा और जतिंदर वालिया भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर सतबीर सिंह कंग ने बताया कि हैवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी कई दशकों से अपने ग्राहकों को उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स को व्यापक रेंज में उपलब्ध कराती आ रही है और यह कंपनी ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक है। इस मौके पर संजय कोछड़, जॉय मलिक, अमित सहगल, सुरेश गुप्ता, टीएस बेदी, संजीव पुसरी, राकेश कपूर, अशोक गुप्ता, काकू मिड्डा, अरुण देव मेहता, संजीव तलवाड़, बलदेव राज आहूजा, गगन छाबड़ा, कमल बस्सी, मनोज कपिला, राजीव वर्मा, साहिल गुप्ता, राजीव दुग्गल, मोहित दुग्गल, निशो दुग्गल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपनी एवर गैलेक्सी की ओपनिंग है मलाप चौंक फगवाड़ा गेट के लवली इलैक्ट्रिकल के नाम से अंडर है। अपने शुरू तो हैवल के नाल साडा आना काम चलता पे अज पर असी एक हैवल की पूरी गैलेक्सी खोली है जिस हैवल के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल रेंज हैवल्स की मिलेगी हाँ अंडर वन रूप के अंदर तुम्हें सारे रेंज मिलेगी पूरे वॉशिंग मशीन तो लैके ए सी तो लैके मिक्सी स्विच सारा कुछ मिलेगा हैवल का। ये अच्छा पूरे सारे हैवल की टीम दैनिक सवेरा वालों सारिया टीम आई है ओपनिंग वास्ते उन्होंने धन्यवाद करते हैं। तो नाले साड़ी शॉप पर उन्होंने देखा हैवल गैलेक्सी बारे दसिया तो हम सारे चीज़ा बड़ा एक शॉपिंग एक अंडर वन रूप के मिलती पी उन्होंने सारे प्रोडक्ट मिलते पे वधिया प्राइस मिलते पे एक होलसेल रेंज मिलते शोरूम का नवा प्रभु इन्होंने अपने पार्टनर बनाए रखन इस तरह ही कारोबार चलन अगले साल एक होर शोरूम नाल बनाने की भी उम्मीद करते हैं। प्रभु इन्होंने इस तरह आशीर्वाद बनाए रखे और चढ़दियां कलां च कदे तरक्कियां करे यही साड़ी दुआ है। पंजाब में 2022 के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पंजाब में अपनी हार का मंथन किया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब पंजाब में आना शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए गत दिनों की तो गत दिनों मनीषा लेखी भी पंजाब में पहुंची थी। इसी के तहत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान तेजस्वी सूर्या अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वे मोगा में हो रहे 2 दिवसीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के समागम में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सिर्फ झूठ के सहारे चल रही है, अगर इसी तरह उनके द्वारा झूठ की राजनीति चलती रही और अपने वायदे ना पूरे किए गए तो भारतीय युवा मोर्चा सड़कों पर उतर कर पंजाब के नौजवानों और लोगों को जागरूक करेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो रहा है। 2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में हमारे यहाँ के प्रदेश के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारधारा, पार्टी के कार्य पद्धति और इन सभी विचारों पर उनको प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग करने का 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। उस प्रशिक्षण वर्ग का समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ।
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के और खास में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साही है और यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से हमारे कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की ओर से यहां के प्रदेश सरकार को मैं ये चुनौती भी देता हूं कि आपके जो काम है उसके ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत नज़दीकी से सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है, हम देख रहे हैं और जब भी आप काम में आप कम पड़ते हैं युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी के ये सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतारेंगे, आंदोलन करेंगे और यहाँ अन्याय भ्रष्टाचार को ठीक करने का काम भी हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी वर्करों द्वारा बैठकें की जा रही हैं, जिसके चलते वेस्ट क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंद्र भगत की अगुवाई में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री श्री निवासुलु बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उनकी मुश्किलें सुनी तो वहीं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आज पूरे देश में हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजेश वाघा, पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद सहित कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो पूरे पंजाब च असीं हलका वाइज मीटिंगां कर रहे हैं, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत होवे, पार्टी बूथ लैवल ते मजबूत होवे और खास करके जिथे कारपोरेशन दे इलैक्शन है उत्थे कारपोरेशन इलैक्शन की तैयारी के संदर्भ च मीटिंगां है। अज चौथी मीटिंग है, असी सवेरे सेंटर हल्के की, नॉर्थ हल्के की, कैंट हल्के दी मीटिंगां भी कीतियां हैं, हुण इहदी मीटिंग है, परसों देहाती जिलियां की मीटिंगां भी करांगे। सो पार्टी की मजबूती लई लगातार साडा मीटिंगां दा दौर जारी है। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਰੂਬ ਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਕਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਗੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿ 73 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। अमृतसर में सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फेडरेशन के जिला अमृतसर प्रधान चढ़त सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर को तरनतारन में एक विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बंदी सिंहों को रिहा करवाने के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस अवसर पर SGPC के सदस्य भाई मनजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर फेडरेशन ने अकाली दल के मंसूबे पर पानी फेरते हुए कहा कि सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन कभी भी अकाली दल के साथ मिलकर कोई भी समझौता नहीं करेगी और ना ही उनके साथ चलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन बंदी सिंहों को रिहा करवाने के लिए वे हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ने फेडरेशन दे इस इजलास दे विच मते दे रूप दे विच इस चीज़ में इस रेजोल्यूशन नूं प्रेजेंट करांगे ते यही जो मंग है, यही जो साडा हक बनता है, ये समेत पंजाब दे जिहड़े बाकी हक ने, भावें पाणियां दा मुद्दा होवे, पंजाबी बोलदे इलाकियां दा मुद्दा होवे, आपां आनंदपुर साहब दी रेजोल्यूशन नूं भी समर्पित जिहड़ा है वह अपने मंग रखांगे। दूसरी गल कि मौजूदा समय के विच जिहड़े हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सिखां नूं किसी दूसरी कौम नाल लड़ा दिओ, जे दूसरी कौम तो वेल होवे तो तीसरी नाल लड़ा दिओ, इस चीज़ नूं लैके भी असीं जिहड़े आ नौजवानां नूं सुचेत करांगे, जो पंजाब दे विच माहौल खराब करन दी कोशिश की जा रही है।
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਥ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਉ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਉ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਉ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਬੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬਿੜੀ ਸੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਲਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਭਾ ਮੇ ਜਨਮੇ ਜੱਸੀ ਸੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जस्सी सोइयांवाला वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी पार्टी को पीठ नहीं दिखाई और ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करते रहे। जब से पार्टी अस्तित्व में आई है तब से ही वह पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पार्टी वालों ने भी उन्हें बनता मान सत्कार दिया है। इस दौरान शहरवासियों ने कहा कि यह इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पटियाला शहर के लिए बहुत मान की बात है कि जो जस्सी सोइयांवाला को सरकार द्वारा जिला योजना बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस दौरान जस्सी सोइयांवाला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी ईमानदारी और तनदेही से निभाएंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जिला योजना बोर्ड पटियाला का जो चेयरमैन लगा के बहुत बड़ा मान बख्शिया, क्योंकि मैं हमेशा ही पार्टी के नाल खड़ा रहा। जदों तो पार्टी होद में आई है उस टाइम तो लैके अभी काम कर रहे हैं, भावें मैं 2017 के भी दावेदार 22 के भी दावेदार रहा, पर पार्टी ने टिकट नहीं दी तां भी मैं पार्टी का कदे साथ नहीं छड्या। औखे माड़े समय के हमेशा पार्टी का साथ दिता, पर जो मैनू एडा वड्डा माण बख्शे एक गरीब परिवार के विचों, मैं हमेशा साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के अरविंद केजरीवाल जी का ऋणी रहांगा ते नाल ही विश्वास दिवाउंदा हाँ कि इस जत्ती जिम्मेवारी मैं पूरी ईमानदारी अते तनदेही दे नाल निभावांगा। इस तरह देखो इस इलाके विचों सरपंच बने ते हुण चेयरमैन बनियो, किन्नी कु खुशी आ इत्थे पिंड वासियां नूं? देखो हुंदी आ जदों कोई अपने परिवार के विचों उठ के अगे जांदा, साढ़े सारे नगर निवासियों ने अज ते सन्मान रखिया। मैं समुचे नगर निवासियों का तह दिलों धन्यवाद करदा ते हमेशा ऋणी रहांगा, क्योंकि पहला 2003 दे विच इन्हां ने मैनू बहुत वड्डी रीढ़ दे नाल जिहड़ा सरपंच बनाया सीगा, आजाद तौर ते मैं जित्तिया सीगा, ते हुण भी इन्हां ने एडा वड्डा माण बख्शिया। मैं हमेशा नगर के विकास लई भी काम करांगा अते इन्हां दा बहुत ऋणी रहांगा समुची ग्राम पंचायत का ते नगर निवासी। किहड़े काम पहल दे आधार ते करोगे? नहीं, बहुत काम होण आए ने जी नगर के अपने दे नाल ही पटियाले जिले के जिहड़े भी काम होणगे उन्हां नूं असीं पहल दे आधार ते करांगे। जस्सी सोइयांवाला जसवीर जस्सी सोइयांवाला साढ़े पिंड तों ने जी, साढ़े परिवार के मैंबर भी ने हैगे ते उह बहुत टाइम तो मेहनत कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, लंबे समय तो मेहनत करते थे, उन्हें भगवंत मान जी सीएम साहब ने चेयरमैन जिला कमेटी का बना के बहुत माण बख्शिया, साढ़े पिंड बहुत माण बख्शिया। असी जस्सी सोइयांवाला जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दें, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साढ़े पिंड बहुत उम्मीदा ने जी, बहुत पुराने वर्कर ने पूरे जोश होर पार्टी काम कर रहे थे तो बहुत माण वधाया, पिंड का ही माण वधिया, इलाके का माण वधिया चेयरमैन जी। बहादुर नगर ग्राम पंचायत समुचे नगर वालों जदों तो सरदार जसवीर सिंह जस्सी सोइयांवाला योजना बोर्ड का चेयरमैन अनाउंस किया, साडे इलाके बहुत खुशी की लहर है, घर घर खुशी मनाई जा रही है। अज समुचे नगर ने नगर पंचायत ने अज उन्होंने विशेष तौर पर सन्मान किया, पार्टीबाजी तो उपर उठ के धड़ेबाजी तो उपर उठ के इस नगर का वसनीक है, क्योंकि जदों पहली बार इतों की पंचायत बनी सी तां सरदार जसवीर सिंह पहले सरपंच बने सी उस पंचायत के, ता कि उन्होंने लंबे समय तो इस नगर नाल जुड़ना सुभाविक सी, इस करके असी अपने अखलाकी फर्ज नूं समझदे होइआं उस सन्मान रखे अज समुचे नगर ने। बहुत वड्डी पहल है जिवें सारे धड़ेबंदियों तो उठ के सन्मान कर रहे हो, भी किन्ना क तुहानूं लगदा आने वाले समय में जिहड़े डिवेलपमेंट के काम ने वह भी करनगे? देखो जी असीं आस करते हैं जदों सरपंच रहे ने उदों भी इन्होंने इस नगर वल विशेष ध्यान दिता है, तो असीं अज भी आस करते हैं कि समुचा जिला समुचे जिले वल ध्यान देणगे, उत्थे इस नगर का भी जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखणगे, तो इस करके असीं आस करते हैं उन्होंने कोलों भी वो जरूर इस नगर का ध्यान रखेंगे। देखो जी ये बड़े लंबे समय तो पार्टी नाल जुड़े हुए ने, जदों तो असीं देखते आ रहे हैं पार्टी च बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, पार्टी च काम करन तो बाद पर इन्हां दा असीं चाहुंदे सीगे पिछलियां विधानसभा जिहड़ियां होईयां ने भी शायद किते ना किते इन्हां नूं टिकट दे के पार्टी नवाजेगी, लेकिन पार्टी ने कुछ मजबूरियां हो सकदियां ने, उन्हां नूं समझदे होए अज पार्टी ने जो इन्हां नूं जिला योजना बोर्ड का चेयरमैन लाया है वो असी
खुशी महसूस करते हैं। आंदे असी बड़ी खुशी का जाहिर किया कि अज वह इस पटियाला जिले के योजना बोर्ड के चेयरमैन लगे ने ते इस इलाके के वह वसनीक ने इलाका निवासियों ने नगर निवासियों ने बहुत खुशी जाहिर की। ये खबर जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि साढ़े पिंड के वसनीक सरदार जसवीर सिंह जस्सी जी ने पंजाब सरकार ने जिला प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन लाया, क्योंकि इन्हों की राजनीति जो गुड़ती सी पिंड चो मिली या पहली बारी सरपंच बने उदों तो जदोजहद चलती हुई तो इन्होंने चलो जिते मेहनत कर रहे थे पार्टी के पिछता पार्टी ने इन्होंने हुण मौका सरकार सी इन्हों की तो इन्होंने बहुत माण दिता जिदे उम्मीद आ भी वधिया इमानदारी पूरे जिले के डिवेलपमेंट के नाल साढ़े नगर की शहर की दिख संवार जो कमियां पेशियां ने वो दूर करनगे। नगर वालों भी असं इन्हों बहुत बहुत मुबारकबाद दें तो उम्मीद आ भी नगर में भी और पूरे शहर में भी पहल के आधार पर पूरे जिले चो इस संवारण का अपने वालों तनदेही जतन करे। इसलिए समुचे नगर वालों समुचे भाईचारे वालों भी मैं इन्हों मुबारकबाद पेश कर। समाज सेवी संस्था केयर फॉर ऑटिज्म जालंधर आर्टिस्टिक बच्चों के लिए पिछले 1.5 वर्ष से काम कर रही है। अभी तक के सफर में इस फाउंडेशन ने बहुत से आर्टिस्टिक बच्चों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाए हैं और यह फाउंडेशन आर्टिस्टिक बच्चों के लिए अपने आप में एक संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पर काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीफ एडवाइज़र और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अतुल मदान की निगरानी में ऑटिज़म असेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके अंतर्गत बच्चों की विस्तारपूर्वक जांच होती है और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें थेरेपी सेशन प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ आर्टिस्टिक बच्चों के माता पिता को हर प्रकार की जानकारी और ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरतों को समझने और पूरा करने में सहायता मिलती है। बच्चों की क्षमता के अनुसार केयर फॉर ऑटिज़म के एक एकड़ में बने हुए सेंटर में उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की जाती है जो कि उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सोच और समझ को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर हेड रघु बहल ने ग्रोइंग टुगेदर थीम के अंतर्गत अपनी टीम की लर्निंग बढ़ाने के लिए और स्पेशल बच्चों की जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाएं की समझ को बढ़ाने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट प्रीति सिवाच और इंद्राणी वासु को दिल्ली से बुलाया है जिन्होंने विजुअल स्केडूले और लर्निंग के अन्य तरीकों के बारे में गहराई से समझाया व केयर फॉर ऑटिज्म की जानकारी बढ़ाई। इस मौके पर ऋचा शर्मा, रंजना, अनीता, कोनिका, प्रियंका, बलजीत कौर भी मौजूद रहीं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन CFA का फुल फॉर्म जो है केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन है। सो ये स्पेशल बच्चों के लिए काम कर दी है फाउंडेशन जिद कि असी स्पेशली अगर फोकस की गल करिए तो ऑटिज्म के उत्ते फोकस कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के उत्ते। सो ये जोड़े ऑटिस्टिक बच्चे होंगे ने एक ऑटिज़म जोड़ा है न्यूरो डिवेलपमेंट डिसऑर्डर है जिद कि जोड़ा बच्चा है उन्हों थोड़ी जी एज़ कंपेयर बाकी बच्चों के मुकाबले गल कर थोड़ी जी ज़्यादा दिक्कत होंगी है या समझ थोड़ी जी ज़्यादा दिक्कत होंगी है। सो बेसिकली साडे बच्चे जोड़े ने आम बच्चों की तरह बच्चे ने दिखते भी उन्होंने तरह ने खेलते भी उन्होंने तरह ने सारे काम भी उन्होंने तरह करते हैं बस उन्होंने नालों थोड़े जे डिफरेंट ने थोड़े जे डिफरेंट मतलब की है कि जिमें मैं एक चीज़ नूं तुहानूं समझा रहा तो मैं सिंगल वारी समझा सकदा हो सकता है उन्होंने वही गल समझाने लिए सानूं 2 या 3 वारी या 4 वारी करना पड़ा। यही हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं आज जो जिसका अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें तब ऑटिस्टिक बच्चे ना ही सीख पाएंगे ना ही अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएंगे मगर अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। जो एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो अच्छा प्रोफेशनल हो व्हाट आफ्टर अस हम जब तक है आबाद है हमारे बाद क्या। कुछ हद तक ये स्ट्रैटेजी जो हम आज बात करने वाले हैं ये उसका उत्तर है। जब हम इस तरीके से सिखाते हैं हमारे बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है इंडिपेंडेंट होना आसान हो जाता है। हम जिस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दिस इज एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑटिस्टिक पीपल। पंजाब भर में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर अध्यापकों की ओर से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कंप्यूटर अध्यापकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की कोठी का घेराव किया गया है।
क्योंकि लगभग 16 साल बीत जाने के बावजूद भी कंप्यूटर अध्यापकों को इंसाफ नहीं मिला। इस दौरान पिछली सरकारों ने भी कंप्यूटर अध्यापकों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने भी चुनावों के समय कंप्यूटर अध्यापकों के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, पर सरकार बनते ही उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए सरकार को जगाने के लिए वे ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं गुरविंदर सिंह, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन पंजाब तो, अज समुचे पंजाब तो कंप्यूटर अध्यापक मुख्यमंत्री पंजाब दे गृह विखे अपनिया मंगा नूं लै के, मंगा प्रति रोस लै के अज इत्थे इन्हां दे घर दे मूहरे एकत्र होए ने, क्योंकि लगभग 15-16 साल बीत जाण दे बावजूद भी कंप्यूटर अध्यापकां नूं अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। भावें पिछलियां सरकारां होण, भावें अकाली दल सरकार, भावें कांग्रेस सरकार, हर सरकार ने कंप्यूटर अध्यापकों का शोषण करने विच कोई कसर नहीं छड्डी। मौजूदा सरकार भावें इन्हां दे पार्टी सुप्रीमो माणजो केजरीवाल जी होण, भावें मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी होण, भावें फाइनांस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी होण, समुची लीडरशिप ने कंप्यूटर अध्यापक यूनियन के चल रहे संघर्ष के विच आ के कंप्यूटर अध्यापकों के नाल वादा किया कि सरकार बनदिया ही कंप्यूटर अध्यापकों के सारे मसले हल किए जाएंगे, पर अज तक कंप्यूटर अध्यापकों दी मंगा प्रति जिहड़ी आ सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई लगती, क्योंकि अज तक अं सिर्फ सरकार नूं याद दवाउण वास्ते रैलियां कीतियां, पर अज तो अं चेतावनी रैलियां जिहड़ियां शुरू करन जा रहे हैं। जे सरकार ने कंप्यूटर अध्यापकों दीआं मंगां प्रति तवज्जो ना दित्ती, आउण वाले समें दे विच इसे तरीके दे नाल वड्डे संघर्ष होणगे, क्योंकि लगभग 75-80 कंप्यूटर अध्यापक साढ़े भावें करोना काल दे विच ड्यूटी करदे आ जिन्हां दी मौत हो गई, भावें सड़क हादसों दे विच उन्हां दी मौत हो गई। कंप्यूटर अध्यापकों नूं रैगूलर करन दा नोटिफिकेशन जारी है, इन्हां नूं रैगूलर सेवावां करन दे नियुक्ति पत्र दित्ते गए ने, पर इन्हां सब दे बावजूद जिहड़े कंप्यूटर अध्यापक इस संसार नूं छड्ड के चले गए उन्हां दे परिवार अज रुलण नूं मजबूर हो रहे आ। सरकारां ने करोना काल दे विच मर चुके कंप्यूटर अध्यापकों दे परिवारां दी वी सार नहीं लई। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਹੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ CSR ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਕਮ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ
रैगूलर किया गया सी और 2011 तो बाद ही ना ही साडे उपर कोई CSR रूल लागू किया गया, ना ही सानू कोई बनते लाभ दिते गए, इस वेले ना ही सानू पे कमीशन दिता जा रहा है। नाल दी नाल मैं ये दसना चाहती हाँ कि साडे विछड़े हुए 70 साथी उन्होंने परिवारों की कोई भी सुध नहीं ली जा रही, ना ही उन्होंने फाइनैशियल मदद मिल रही है, ना ही कोई तरस के आधार पर नौकरी मिल रही है। तो मेरी पुरजोर सरकार अगे यही मंग है कि जल्दी तो जल्दी साडा मुद्दा हल किया जाए और सानू सिक्ख्या विभाग के सारे जड़े रूल हैगे है उन्होंने फॉलो करते हुए सारे बेनीफिट देंदे हुए सानू सिक्ख्या विभाग में मर्ज किया जाए। अगला फिर साडा यही होएगा, असी लड़ीवार जड़ा हैगा वो अपने रैलियां करांगे और जड़ा सरकार दी जड़ी है हर गल हर जगह पे विरोध करांगे। महर्षि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी 16 लिंक रोड की तरफ से पहला आंखों का फ्री चेकअप कैंप भगवान वाल्मीकि मंदिर लिंक रोड में लगाया गया, जहां शहरवासियों ने इस कैंप में हिस्सा लेकर अपनी आंखों का मान्यता प्राप्त डॉक्टरों द्वारा चेकअप करवाया और डॉक्टरों की सलाह ली। इस कैंप में आंखों के साथ साथ मरीजों के BP एवं शुगर के निशुल्क टेस्ट किए गए एवं ज़रूरतमंद महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को कम रेट पर चश्मा मुहैया करवाया गया और साथ ही निशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस दौरान कमल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से आए डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को मोतिया के ऑपरेशन के लिए बहुत ही कम रेट पर ऑपरेशन करने की सुविधा दी। इस अवसर पर चंदन ग्रेवाल, BJP लीडर दीपक तेलू, पार्षद डॉक्टर जसलीन सेठी, एडवोकेट नयम खान ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की, जिन्होंने डॉक्टरों द्वारा अपनी आँखों का चेकअप भी करवाया। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी द्वारा आए हुए मेहमानों का सिरोपा डालकर स्वागत किया गया। इस दौरान गणमान्यों द्वारा आई हुई डॉक्टरी टीम को सिरोपा डालकर स्वागत किया गया एवं सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनिल सब्रवाल, सूरज थापर, पाला सोंधी, बॉबी सोंधी, गोगी सरवटा, आकाश अग्रवाल, सुरेंद्र गिल, मनी सोंधी, रतन लाल हीरा, सूरज नाहर सहित इलाका निवासी उपस्थित रहे। ਡੇਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਪਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुभाष आर्य, इंदु आर्य और सानिया आर्य ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र आर्य, सोनू भारती, रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र, रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, चौधरी हरिचंद, राहत भाटिया, नलनी उपाध्याय, विजय चावला, अनिल कोहली, हनीश खन्ना, अनिल मिश्रा, अमित सिंह, ज्योति सिंह, प्रमोद तिवारी, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्य, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, रिशु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਬੋਲ
दूसरे लेख राम, क्योंकि लेख राम महात्मा लेख राम जी इतनी लेखनी थी उनकी कि रोज इतने लेख लिखते थे वो। आज हम अगर मैं पूरा, क्योंकि मेरे साथ पूरे भारत भी देश के भी जो आयुष्मान के ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके बीच अगर अगर गहराई से चिंतन करो, विचार करो, तो सबसे ज़्यादा अगर ये तर्क वितर्क की बात और किस प्रकार कोई भी काम हो किसी किसी तरफ भी ध्यान दें, अगर अगर हम किसी की पूजा करते हैं उसकी पूजा प्रणति कैसे करें, अगर योगी या कृष्ण जी की बात करें तो उसके स्पष्ट करें योगी या कृष्ण जी क्या थे, वेद के अनुसार ये बात करें। माँ भगवती सेवा संघ न्यू जवाहर नगर जालंधर की ओर से 17 सितंबर को वार्षिक माता की चौकी का आयोजन न्यू जवाहर नगर पार्क में बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसी संबंध में प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें श्री राधा माधव मंदिर प्रताप बाग के भक्त वृंद और सभा के सदस्यों ने संकीर्तन करते हुए इलाके की परिक्रमा की, जिनका स्वागत इलाका निवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया, जिसके पश्चात विधिवत पूजा अर्चना कर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज और पार्षद जसलीन सेठी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सभा के सदस्य राजेंद्र सहगल, अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मिंकूपुरी, रिंकूपुरी, राजेश नैयर, निशांत अग्रवाल, अनिल महेंद्रू, सुरेंद्र सहगल, अश्विनी चड्डा, नरेश मित्तल, परमिंदर बहल, बॉबी सहगल, अजय लाली, महेश लूथर व वंदना सहगल, किरण अग्रवाल, सोनाक्षी नैयर, सुनीता सहगल, भारतीपुरी, सोनियापुरी, प्रवीण लूथर, कविता लूथर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय माता दी। आज माँ भगवती सेवा संघ की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रताप बाग के रसिकों ने हम उनका साथ दिया और मोहल्ले की परिक्रमा करते हुए झंडे की रस्म जागरण पार्क में अदा की गई। झंडे की रस्म 17 सितंबर को होने वाले माँ भगवती चौकी के उपलक्ष में की जा रही है, जिस चौकी में पुनीत खुराना जी दिल्ली वाले और महंत अश्विनी शर्मा जी जलंधर वाले महामाई का गुणगान करेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर शामिल होकर माँ भगवती का गुणगान करें और उसका आशीर्वाद ग्रहण करें और चौकी के उपरांत माँ का प्रसाद लंगर के रूप में ग्रहण कर जाएं। जय माता दी, जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के कस्बा भोगपुर में कार के आवारा पशु से टकराने से हुआ भीषण हादसा, एक की मौत, दो घायल। जालंधर के वार्ड नंबर 77 की भाजपा महिला मोर्चा की पूरी टीम ने दिया त्यागपत्र, पार्षद दंपत्ति के समर्थन में उतरे। देश की अग्रणी हैवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से जालंधर के लवकुश चौक में नए शोरूम का किया शुभारंभ, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने किया शुभारंभ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।
ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ।